गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाइए ऑनलाइन, तो कंप्यूटर का हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। और आज का टॉपिक रहेगा मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर फंडामेंटल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से इस बार ग्राम सचिव के भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। हर शिफ्ट में वन क्वेश्चन यहाँ से आया था। पहला क्वेश्चन है मेरा यहाँ से, स्मॉलेस्ट मेमोरी और स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट कौन सी है कंप्यूटर की? गुड मॉर्निंग, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। कंप्यूटर की स्मॉलेस्ट मेमोरी और स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट कौन सी है? ये आपका क्वेश्चन नंबर वन है और ये आपका क्वेश्चन नंबर टू है। ये मेरी फर्स्ट क्लास है फिलहाल। तो अभी जिसने भी आंसर देना है वो प्लीज ऐसे राइट करके दे, वन के साथ और उसका आंसर, ताकि क्लियर हो कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। जल्दी से, बाइट आंसर रॉन्ग है। निर्मल, आपने बिट किसका आंसर दिया, फर्स्ट क्वेश्चन का या सेकंड क्वेश्चन का? यही मैंने आपको दोनों में डिफरेंसेस बताने हैं, मेमोरी यूनिट में और मेमोरी में क्या डिफरेंस है। मनीषा, बिट फर्स्ट का आंसर है या सेकंड का आंसर है? प्रीतम, बाइट आंसर रॉन्ग है। पूनम, गुड मॉर्निंग, करेक्ट। मीनू का करेक्ट है आंसर। मनीषा रॉन्ग। देखिए, स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट हमारी बिट है, लेकिन स्मॉलेस्ट मेमोरी कैशे है या तो फिर रजिस्टर। अब दोनों में डिफरेंस सुनिए। सोनिका करेक्ट है, कैशे। सेकेंड का बिट सोनिका करेक्ट है आपका आंसर। अब देख, सुनिए ध्यान से, मेमोरी और मेमोरी यूनिट में क्या डिफरेंस होता है। जब हम मेमोरी की बात कर रहे हैं, दैट इज हम बात कर रहे हैं रैम की, रोम की, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, दैट इज पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, इनकी बात की जा रही है। और मेमोरी यूनिट यानी बिट, बाइट, निबल, के बी, एम बी, टी बी, इन सब की बात की जा रही है। एक जर्नल एग्जाम्पल से बताती हूँ मैं आपको। अगर आपको पानी को मेजर करना है तो किस में मेजर करोगे, कौन सी यूनिट में? पानी को मेजर करना है आपने तो कौन सी यूनिट में मेजर करोगे? मीनू, हम कैशे की बात बाद में करेंगे, फिलहाल मेरा टॉपिक मेमोरी यूनिट है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कैशे को लेकर मेमोरी में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको मेमोरी और मेमोरी यूनिट में डिफरेंस बता रही हूँ, बिकॉज मोस्टली आंसर्स हमेशा गलत मिलते हैं। सब लोग मेमोरी में ही मेमोरी यूनिट्स घुसा देते हैं, इसीलिए डिफरेंस सुन लो ध्यान से। करेक्ट, लीटर में मेजर करोगे आप अगर आपको पानी को मेजर करना है, तो पानी आपका बन जाता है मेमोरी और लीटर बन जाती है मेमोरी यूनिट। ठीक है, अगर हमको डिस्टेंस को मेजर करना है तो हम लोग चलो किलोमीटर ले लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, तो किलोमीटर आपकी मेमोरी यूनिट बन जाती है और जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं मेमोरी।
तो आई थिंक आपको मेमोरी और मेमोरी यूनिट में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। जल्दी से बताइए, डिफरेंस क्लियर है? तो हमारे पास कंप्यूटर में कुछ बेसिक मेमोरी यूनिट्स हैं, तो तीन बेसिक यूनिट्स हैं। फर्स्ट इज बिट, सेकंड है निबल और थर्ड है बाइट। बिट के लिए हम अभी कह रहे हैं कि ये स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट है, पहली बात तो यही। सेकेंड, बिट को ही हम कहते हैं बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट है निबल, निबल यानी ग्रुप ऑफ फोर बिट्स, यानी हम कह सकते हैं कि एक निबल चार बिट्स के इक्वल है, अगर हम इसकी इक्विवेलेंस लिखें तो। वन निबल चार बिट्स के इक्वल है। नेक्स्ट है बाइट, बाइट होता है ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स यानी वन बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। तो ये हमारी तीन बेसिक यूनिट्स थी, बिट, निबल और बाइट। एक ग्राम सचिव का क्वेश्चन यहाँ से, जो 2021 में पूछा गया था, बाइट का हाफ क्या होगा? वन बाइट हमारा 8 बिट्स के इक्वल है, तो बाइट का हाफ क्या होगा? करेक्ट, बाइट का हाफ होगा निबल। देखो, वन बाइट इक्वल टू 8 बिट्स और वन निबल इक्वल टू 4 बिट्स, तो बाइट का हाफ हुआ आपका निबल। करेक्ट पंकज सिंह। अनु करेक्ट है आपका आंसर। हरियाणवी रॉक्स करेक्ट है आपका आंसर। 4 बिट्स यानी निबल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ हायर मेमोरी यूनिट्स हैं कंप्यूटर की। इनको आप बिल्कुल सीक्वेंस में याद रखेंगे तो हमारे क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएंगे। लखवीर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे के बी, एम बी, जी बी, टी बी, पी बी, ई बी, जेड बी और वाई बी, इनको एक सीक्वेंस में याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा एक और क्वेश्चन यहाँ से बना है। कुलदीप शास्त्री, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कि आपके पास ऑप्शन दे दिए गए हैं और आपसे ये पूछा गया है इनमें से स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट क्या है, तो इसलिए हमें सीक्वेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास ऑप्शन में दे दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन एम बी है, सेकेंड के बी है, थर्ड वाई बी है, फोर्थ टी बी है। इनमें से स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट कौन सी है? जल्दी से बताइए। करेक्ट, के बी हमारी सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट है इनमें से, और लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट कौन सी है इनमें से?
हाईएस्ट मेमोरी यूनिट, करेक्ट, वाई बी, दैट इज योटाबाइट। ठीक है, इसके बाद आपके क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं इनकी फुल फॉर्म्स के, दैट इज के बी की क्या फुल फॉर्म है। तो के बी आपका है किलोबाइट, एम बी है मेगाबाइट, जी बी है गीगाबाइट, टी बी है टेराबाइट, पी बी है पेटाबाइट, ई बी है एग्जाबाइट, जेड बी है जीटा बाइट और वाई बी है योटा बाइट। करेक्ट, किलोबाइट, मेगाबाइट। तो ये फुल फॉर्म्स हम लोगों को ऑलमोस्ट सभी को पता है कि के बी स्टैंड्स फॉर किलोबाइट, एम बी मेगाबाइट, जी बी गीगाबाइट, टी बी टेराबाइट, पी बी पेटाबाइट, ई बी एग्जाबाइट, जेड बी जीटा बाइट और वाई बी योटा बाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है मुकेश, गुड मॉर्निंग, कि 1 KB कितने के इक्विवेलेंट है, इनकी इक्विवेलेंस कितनी है, जो हमें पता होनी चाहिए। और अगर ये सीक्वेंस याद रहेगा तो इक्विवेलेंस कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए, 1 KB 1024 bytes के इक्वल है, 1 MB 1024 KB के इक्वल है, 1 GB 1024 MB के इक्वल है, 1 TB 1024 GB के इक्वल है। चलिए फिर आप बताइए 1 PB कितने के इक्वलेंट होगा। मनीषा, 1 KB 1000 bytes पर भी हम आते हैं अभी, फिलहाल हम 1024 वाली इक्वेलेंस कर लेते हैं। इसके बाद एक और इक्वेलेंस है जिस पर मैं डिस्कशन करूंगी कि 1 KB 1000 bytes के इक्वल भी होता है और 1 KB 1024 bytes के भी इक्वल होता है। तो 1 PB इक्वल है 1024 TB के, 1 EB इक्वेलेंट है 1024 PB के, 1 ZB इक्वल टू 1024 EB, 1 YB इक्वल टू 1024 ZB। ये रही हमारी इक्वेलेंस। एक चीज और यहाँ क्लियर कर देती हूँ मैं आप लोगों को, एक इक्वेलेंस और है, जैसे 1 KB इक्वल टू 1000 bytes, 1 MB इक्वल टू 1 million bytes, 1 GB इक्वल टू 1 billion bytes, 1 PB इक्वल टू 1 quadrillion bytes, 1 KB इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन है 1 KB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और मैंने यहां पर दो इक्वेलेंस लिखी हैं जिसमें 1 KB 1024 bytes के इक्वल भी है और 1 KB 1000 bytes के भी इक्वल है। तो हम करेक्ट किसको करेंगे, जल्दी से बताइए फिर, करेक्ट किसको करेंगे। 1 KB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आपका क्वेश्चन है और यहाँ दो इक्वेलेंस लिखी है मैंने, जहाँ पर 1 KB 1024 bytes के इक्वल भी है और 1 KB 1000 bytes के इक्वल भी है। जल्दी से बताइए आंसर। ये जो मैंने इक्वेलेंस लिखी है, ये ध्यान रखना, ये अप्रोक्सीमेशन में है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं, लेकिन करेक्ट इक्वेलेंस ये है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन है 1 KB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो वो हमेशा 1024 bytes के इक्वल होगा, ना कि 1000 bytes के, क्योंकि ये वैल्यूज अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं। अगर यहाँ से आपका क्वेश्चन बन रहा है, जो प्रीवियस ईयर में आया भी है, क्वेश्चन ये है 1 billion bytes इक्वल टू क्वेश्चन मार्क,
ये क्वेश्चन पूछा गया था, 1 बिलियन बाइट्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो 1 GB के इक्वेलेंट है। ठीक है, तो अगर यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, और 1 KB में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, और ये वैल्यूज आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं, और करेक्ट इक्वेलेंस ये इक्वेलेंस है। ये सभी को क्लियर है? जल्दी से बताइए कमेंट करके, इतनी बात सभी को क्लियर है? फिर मेमोरी यूनिट से कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज के लिए आना सर, एक बार चेक करूं। विक्रम सर स्क्रॉल नहीं। तो अब इससे मेमोरी यूनिट से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, हाउ मैनी वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल बाइट। जिसके ऑप्शंस हैं 4, 8, 256, 284। जल्दी से बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया है सभी को। क्वेश्चन ये है कि एक सिंगल बाइट कितनी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि एक सिंगल बाइट में कितनी नंबर ऑफ बिट्स होती हैं। यहाँ क्वेश्चन ये था कि एक सिंगल बाइट कितनी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 raised to n, और n यानी नंबर ऑफ बिट्स। तो एक सिंगल बाइट में कितनी नंबर ऑफ बिट्स होती हैं? वो होती हैं 8, यानी 2 raised to 8 इक्वल टू 256। क्लियर है क्वेश्चन सभी को? मनीषा आपका आंसर करेक्ट है, अनु का आंसर करेक्ट है, पंकज का भी आंसर करेक्ट है। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करवाते ही मैंने डिस्कस किया था, 1 trillion bytes इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। राजकुमार आपको क्लियर नहीं था क्वेश्चन फर्स्ट वाला? राजकुमार एक बार फिर से मुझे बता दीजिए प्लीज।
एक पंकज इन क्वेश्चंस पर भी हम आते हैं, अभी रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है पंकज, राजकुमार आपको क्लियर है ना क्वेश्चन? ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 1 ट्रिलियन बाइट्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मैं आप लोगों को मेमोरी यूनिट से वही क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है क्लास अभी स्टार्ट हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, फर्स्ट टॉपिक ही चल रहा है जिसके मैं कुछ क्वेश्चंस ही डिस्कस कर रही हूँ अभी। अजय वन मिलियन बाइट्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। पारस गुड मॉर्निंग। करेक्ट टीबी, पंकज का आंसर करेक्ट है टीबी। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था इक्विवेलेंस से, 1 मिलियन बाइट्स, 1 बिलियन बाइट्स और 1 ट्रिलियन बाइट्स। तो 1 ट्रिलियन बाइट्स आपका टीबी के इक्वल है, दैट इज टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 MB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और ऑप्शंस हैं 512 × 512 बाइट्स, 1024 × 1024 बाइट्स, 1000 × 1000 बाइट्स। नेक्स्ट डी ऑप्शन है नन। जल्दी से आंसर बताइए। थर्ड क्वेश्चन, पंकज का आंसर करेक्ट है, अजय करेक्ट है, अनु ध्यान से देखो क्वेश्चन, श्वेता का आंसर करेक्ट है, अब सही है अनु, राहुल करेक्ट है आंसर, मनीषा नहीं, नन नहीं है, सौरभ नरेंद्र करेक्ट है आप लोगों का आंसर बी। अब देखिए नन क्यों नहीं है इसका आंसर, ये KU के क्लर्क 2019 का क्वेश्चन है मेमोरी यूनिट से। देखो कंफ्यूज करने के लिए नन भी दिया गया है यहाँ पर, कि हमने फिलहाल ये बात पढ़ी कि 1 MB जो है वो 1024 KB के इक्वल होता है, यही बात पढ़ रहे थे हम लोग यहाँ पर। या 1 MB 1 मिलियन बाइट्स के इक्वल होता है, ये दो बातें हम लोगों को पता है इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है लेकिन ये तो कुछ नया ही पूछ लिया कि 1 MB इनमें से किसके इक्वल है, लेकिन 1 MB को हम लोग बाइट्स में भी डेफिनेटली कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम ये बात करें कि 1 MB जो है वो 1024 KB के इक्वल है या 1 MB 1 मिलियन बाइट्स के इक्वल है इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग, तब तो आंसर भाई हमारा नन आना चाहिए। ठीक है लेकिन इक्विवेलेंस में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, अब कोई भी एक मेमोरी यूनिट दे रखी है उसको हम लोग बाइट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हम लोग मैथ्स में एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, सेम वही तो बात है। तो यहाँ पर हम 1 MB को बाइट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो एक बार 1024 आया, लेकिन अब इस KB को जब आपको बाइट्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1024 करोगे तो ये बाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए मोस्टली सभी ने आंसर करेक्ट दिया है, जिनको डाउट था उनके लिए मैं एक्सप्लेनेशन दे रही थी इसकी, तो इसका करेक्ट आंसर बी है। क्लियर है सभी को? ठीक है मनीषा क्लियर हो गया ना आपको? आगे बढ़ते हैं। वन टी बी इक्वल टू 2 रेस टू x बाइट्स, वेयर x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
इसका आंसर बताइए जल्दी से। यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपको डिफाइन करनी है। वाओ, जस्ट क्वेश्चन लिखते ही आंसर बहुत जल्दी आ गया। राहुल क्वेश्चन ध्यान से देखो। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखो राहुल। यहाँ पर बिट्स है या बाइट्स है? श्वेता करेक्ट है आंसर। राहुल आपका आंसर करेक्ट है। अजय आपका आंसर करेक्ट है। चलिए, नरेंद्र 20 तो नहीं आएगा। अब देख लीजिए कैसे। मनीषा करेक्ट है आपका आंसर। सौरभ करेक्ट है आंसर। देख लीजिए कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। 1 TB को जब हमें बाइट्स में कन्वर्ट करना है तो हम कितनी बार 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको? जैसे हम 1 MB को बाइट्स में जब कन्वर्ट कर रहे थे तब हम 2 बार 1024 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ऐसे ही जब हमको 1 TB को बाइट्स में कन्वर्ट करना है तब हम 4 बार 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये बाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए कैसे। KB, MB, GB, TB। और हमें बाइट्स तक जाना है, यानी एक बार TB के साथ 1024 है। 1024 यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये नेक्स्ट बाइट्स में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स हम लोग 4 बार 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। और 1024 यानी 2 raised to 10। इतनी बात हम सभी को पता है क्योंकि हमारी मैथ्स बहुत बहुत अच्छी है। ठीक है, इसलिए 1024 का मतलब है 2 raised to 10। तो ये मैं 4 बार 1024 को कन्वर्ट कर रही हूँ 2 raised to में, तो भाई 2 raised to 10 के इक्वेलेंट होता है ये। और जब हमारे बेसिस सेम होते हैं तो पावर हो जाती है ऐड। ये बात भी हम सभी को पता है क्योंकि मैथ्स हम सबकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो यानी 2 raised to 40, और ये मेरा आंसर बाइट्स में है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगी मैथ्स अगर अच्छी नहीं है तो। ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? अब मुझे जल्दी से बता दो, क्वेश्चन क्लियर है सभी को? बाइट्स में सभी कन्वर्ट कर लेंगे इसको इजीली। गुड, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मेरे पास ये 1 TB इक्वल टू 2 raised to x बिट्स हो, वेयर x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब बताइए इसका आंसर। तो हम लोग कंप्यूटर में बहुत अच्छे हो गए हैं ना, क्वेश्चन लिखते ही हमारे आंसर्स आने शुरू हो जाते हैं। सिंपल है, पहले मेरे पास बाइट्स में था, कन्वर्ट आपको बाइट्स में करना था। ठीक है, तो बाइट्स में मेरे पास आंसर आ रहा था 2 raised to 10 into 2 raised to 10 into 2 raised to 10 into 2 raised to 10। ये मेरा आंसर बाइट्स में था। लेकिन जब आपको कन्वर्ट करना है बिट्स में, यानी इस सभी को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो तो वो बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 byte इक्वल टू 8 बिट्स होता है। तो मैंने भाई मल्टीप्लाई कर दिया 8 के साथ, और 8
2:3 के इक्वल होता है, तो वही मैं लिख लेती हूँ, 2:10 इंटू 2:10 इंटू 2:10 इंटू 2:10 इंटू 2:3। और जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर हो जाती है ऐड, यानी 2:43। तो हमारा एक्स आ गया इक्वल टू 43। सिंपल है बहुत, यानी हम लोग इजीली बाइट्स में भी कन्वर्ट कर लेंगे और बिट्स में भी कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे हमारे मेमोरी यूनिट टॉपिक से जो अभी तक फिलहाल पूछे गए हैं, और ग्राम सचिव के क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस कर ही दिए मेमोरी यूनिट टॉपिक से। बहुत इजी टॉपिक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक है, तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है लॉजिक गेट्स। ठीक है, डेफिनेटली सोनिका क्लर्क वाले क्वेश्चंस जो भी पूछे गए थे हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। न्यू टॉपिक आप लोगों का लॉजिक गेट्स है। यहाँ से हरियाणा पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, फिजिक्स का टॉपिक है एक्चुअल में ये लॉजिक गेट्स, मेनली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, फिर फिजिक्स का, फिर करते करते कुछ कंप्यूटर का। ठीक है, जब हम लॉजिक गेट्स की बात करते हैं दैट मीन्स हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं या डिजिटल की बात कर रहे हैं। जब हम डिजिटल टर्म यूज कर रहे हैं दैट मीन्स वन एंड जीरो। वन का मतलब होता है ऑन, या हम कह सकते हैं ट्रू, या हम कह सकते हैं यस। जीरो यानी ऑफ यानी फॉल्स। एक चीज और, हम लोग इजीली ये बात कह सकते हैं जब वन है दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जब जीरो है दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स में या डिजिटल में इन दो डिजिट्स के अलावा तीसरा कोई डिजिट नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, वन और जीरो सिर्फ, वन का मतलब ऑन यानी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, और जीरो का मतलब ऑफ यानी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही। तो तीन गेट्स हैं हमारे पास, वैसे टोटल हम लोग 7 गेट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिलहाल 3 गेट्स, एंड और नॉट। ये 3 बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां से आपका कवर होता है लॉजिक गेट्स में। क्वेश्चन ये है कि इनमें, क्योंकि हमारे पास 7 गेट्स हैं और आपके पास क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा बेसिक लॉजिक गेट है, तो 7 में से जो भी आपके पास ऑप्शन में होगा एंड और नॉट में से, वो आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इसको। एंड गेट है, ये एंड गेट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कुछ ऐसा होता है एंड गेट जिसमें ए और बी इनपुट है, एक्स आउटपुट है। अगली बात कि एंड गेट में और गेट में, ये दोनों गेट्स में क्या दो ही इनपुट्स होते हैं या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ मैंने दो इनपुट्स बनाए, क्या दो ही इनपुट रहेंगे या दो से ज़्यादा हो सकते हैं या एक भी हो सकता है। या आउटपुट जो है, मैंने यहाँ पर एक बनाया, क्या आउटपुट दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं या पाँच हो सकते हैं या एक ही रहेगा। या मैंने जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी एंड गेट की, कुछ ऐसी ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। जल्दी से बताइए आंसर। क्या एंड गेट में दो ही इनपुट्स होते हैं या दो से कम हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं। हो सकते हैं दो से ज़्यादा, अनु, मनीषा, बेनीवाल, 4, श्वेता, ज़्यादा हो सकते हैं। नहीं, आउटपुट एक ही होगा। पंकज, अभी तक तो ऐसे ही पढ़ा है सिर्फ। ठीक है, कोई बात नहीं, हम क्लियर कर देंगे चीज़ें जो आप लोगों ने अभी तक ऐसी ही पढ़ी हैं।
एंड और गेट में, इन दोनों गेट्स में नंबर ऑफ इनपुट्स दो से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, और आउटपुट लेकिन एक ही होगा। हम लोग मिनिमम केस लेकर चलते हैं, इसीलिए दो इनपुट्स की बात करते हैं। एक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, मिनिमम टू तो होंगे ही, लेकिन दो से ज़्यादा इनपुट्स हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट सिर्फ एक होगा। आई थिंक ये क्लियर होगी आपको बात एंड और गेट के केस में, ठीक है। इसके बाद एक्स इक्वल टू ए डॉट बी, ये इसकी एक्सप्रेशन है जो हमें याद रखनी है। हमें इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज हमारा क्वेश्चन एग्जाम में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से नहीं आ रहा, लेकिन हमको ये एक्सप्रेशन ज़रूर और ज़रूर ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ से हमारा क्वेश्चन डेफिनेटली कवर होता है। नेक्स्ट है ट्रूथ टेबल। ए और बी इनपुट्स हैं, एक्स आउटपुट है, 00 01 10 11, ये हमारे केसेस हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई मैंने यहाँ चार ही केसेस क्यों लिखे हैं, मैं तीन भी लिख सकती थी, दो भी लिख सकती थी, पांच भी लिख सकती थी, लेकिन चार ही क्यों लिखे, और इसी सीक्वेंस में क्यों लिखा। इस 11 को मैं पहले लिख देती, 00 को लास्ट में लिख देती, लिख सकती थी ना, लेकिन ऐसा इसलिए लिखा गया। पहली बात ये कि मैंने नंबर ऑफ केसेस चार ही क्यों लिए, बिकॉज इसके लिए फॉर्मूला है 2 raised to n, और n होता है नंबर ऑफ इनपुट्स। तो लॉजिक गेट्स में जो भी हम पढ़ रहे हैं एंड और नॉट, जितने भी नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ केसेस बनेंगे। तो यहां पर मेरे पास इनपुट्स हैं दो, दो ही इनपुट हैं ए और बी, यानी 2 raised to 2, और नंबर ऑफ केसेस बनेंगे मेरे चार। अगर मेरे पास जीरो, कैसे आंसर दे रहे हो मोहित, जीरो कैसे आंसर दे रहे हैं आप, अगर मेरे पास नंबर ऑफ इनपुट्स थ्री होते तो नंबर ऑफ केसेस कितने बनते, जल्दी से बताइए। नंबर ऑफ इनपुट्स मेरे पास थ्री हैं तो नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे, करेक्ट 8 नंबर ऑफ केसेस बनेंगे, क्योंकि 2 raised to 3 हो जाएगा और नंबर ऑफ केसेस मेरे 8 बन जाएंगे। एक बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, करेक्ट आप लोगों का आंसर राहुल, मो राहुल, अन्नू, सौरभ, 8 करेक्ट है। नेक्स्ट, अब ये 00 इस सीक्वेंस में क्यों है, 01 10 11, कुछ ऐसा ही सीक्वेंस हम लोगों ने क्यों लिया है। सीक्वेंस इसलिए लिया है बिकॉज अगर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, मोहित ठीक है अभी हम आते हैं 0 into 0 पे, 0 है ठीक है, अभी आ रहे हैं उस पे भी ट्रूथ टेबल के लिए। फिलहाल मैं आपको ये अरेंजमेंट्स बता दूं कि क्यों लिखे गए हैं इसलिए। तो जब हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, तो अभी तो हम मिनिमम केस लेकर चल रहे हैं जिसमें सिर्फ मेरे पास दो इनपुट्स हैं। अभी मैंने थोड़े बढ़ाए कि नंबर ऑफ इनपुट्स मेरे पास तीन हो गए, अगर मेरे पास नंबर ऑफ इनपुट्स चार हो जाएं तो केसेस तो बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले मेरे पास केसेस चार थे, फिर 8 हो गए, फिर 16 हो गए, ऐसे ऐसे मेरे पास केसेस बढ़ते चले जाएंगे जब नंबर ऑफ इनपुट्स मेरे पास बढ़ती चली जाएंगी। तो 10 के फॉर्मेट में याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए हम लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये नंबर ऑफ केसेस को याद रखने के लिए, कि इनका फॉर्मेट कैसा बने रहेगा करेक्ट वे में, एक फॉर्मूला ऑप्ट किया, जो फॉर्मूला था कुछ ऐसे 1 2 4 8 16 32। इसका ये मतलब है 1 यानी 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1, 2 यानी 2 बार 0, 2 बार 1। अब देखो ये सिमिलर है ना, कुछ ऐसे बना था ये फॉर्मेट। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखो जिससे हमारा ट्रूथ टेबल जेनरेट हो जाएगा। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई कंसिडर कर लो, ए और बी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर। तो 0 into 0 इज 0, 0 into 1 इज 0, 1 into 0 इज 0, और 1 into 1 इज 1।
इतनी बात सभी को क्लियर है? क्लियर है ना सभी को? हाँ ठीक है, तो आज की क्लास आपकी इतनी ही रखते हैं। इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे कल भी। किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए। इसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल भी, ठीक है? किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए, जल्दी से कमेंट करके डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा?